स्वागत है आपका एक और नई जर्नी में। आज हम जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव गिर गटड़ा सासन गिर से होते हुए फराडा गांव से। ये मंदिर नज़दीक है, अगर आप आना चाहते हैं तो ऊना तलाला रोड से आ सकते हैं। यहाँ पे पैदल चल के जाना है हमें, क्योंकि ये पूरा एरिया फॉरेस्ट अथॉरिटी में आता है, तो आप यहाँ अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते हैं आगे। आसपास पूरा जंगल है। साइन बोर्ड यहाँ मिल जाएगा आपको रास्ते पे, जो इंडिकेट कर देगा रास्ते, और इन कच्चे रास्ते से चल के जाना होता है। अगर आप लोग आते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर से रखना, क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी पानी नहीं मिलेगा। पूरा ट्रैक 1.5 या 2 किलोमीटर का है और ऐसा कच्चा और पत्थर वाला रास्ता है पूरा। मॉनसून के टाइम पे यहाँ आ सकते हैं, चला जा सकता है कि नहीं पता नहीं मुझे। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी कि कोई भी कचरा या प्लास्टिक नहीं मिला इन रास्तों पे, जो कि अच्छी बात है। थोड़ी बहुत चढ़ाई भी है यहाँ। ये सामने जो कैबिन दिख रही है, यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो यहाँ से अब थोड़ा ही दूर है मंदिर, और आगे चढ़ाई वाले रास्ते भी नहीं है। फाइनली यह मंदिर, यहाँ 2 व्हीलर्स आ सकते हैं, ये बाइक देख के पता चल रहा है। तो आप भी आते हो तो 2 व्हीलर्स लेके आ सकते हो, तो सीधा आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे बिना ट्रैक किए। अब यहाँ आके कचरा दिख गया, चारों ओर पूरा जंगल है। ये बोर्ड में लिखा है यहाँ के कचरा मत फैलाना, और यहाँ पर जंगली पशु पक्षी आ सकते हैं, तो जंगल में ऐसे ही मत घूमना। अब चलते हैं गुफा के अंदर, जहाँ पे चल के सीधा नहीं जा सकते, झुकना पड़ रहा है। अंदर जाते ही आपको ये शिवलिंग मिलेगा। यहाँ दर्शन करने के बाद अब चलते हैं थोड़ा आगे। यह स्वयंभू शिवलिंग, जहाँ गुफा में से ही पानी आता है ऊपर से गुफा के अंदर। गुफा के अंदर 2 लाइट्स है, बिल्कुल अंधेरा तो नहीं है, फिर भी मोबाइल फ्लैश की हेल्प से आप जा सकते हैं। अगर आप लोग आते हैं तो साथ में एक टॉर्च भी साथ में रखना। और थोड़ा आगे चलते हैं, ये जो लाइट दिख रही है वहाँ पे भी छोटे शिवलिंग है। यहाँ पे बिल्कुल बैठ के चलना पड़ रहा है और बिल्कुल ही अंधेरा है, पत्थर भी गीले हैं। यहाँ ये दिया जलाते होंगे। यहाँ से आगे अब नहीं जा सकते। यहाँ से आगे अब हम नहीं जा सकते, बिल्कुल जगह ही नहीं है आगे जाने की। अगर आप लोग यहाँ आते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत है या अंधेरे से दिक्कत है, तो बिल्कुल अंदर तक मत जाइएगा। यहाँ ऐसे चलना पड़ता है हाथों की हेल्प से। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा सिर पत्थर को टच कर रहा है, अगर मैं थोड़ा भी ऊंचा होने की कोशिश करूंगी तो। अब चलते हैं बाहर। यह है मेरा लैपटॉप बैग जो मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अब चलते हैं दूसरी गुफा में।
क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर है, जंगल से चलते हुए जाना होता है। मैंने गलती की है जूते ना पहन के। अगर आप लोग आते हैं तो जूते पहन के आना, क्योंकि यहाँ पत्थर बहुत सारे हैं। बिना जूतों के बहुत ही टफ है। आप लोग एंजॉय कीजिए इन पंछियों की आवाज को और इन सूखे पत्तों को। चप्पल पहनवानी तो जरूर होती है यहाँ। बिना जूतों के बहुत ही टफ है। ये भैया हमें लेके जा रहे हैं गुफा में। फर्स्ट वाली गुफा में जाने के बाद इतना पसीना आता है, आप पूरा नहा लेते हो पसीने से। ऐसे लकड़ी और पत्थर पे चलते हुए आप गुफा तक जा सकते हैं। फुल एडवेंचर वाली जगह है ये, एक बारी जरूर से आना। यहाँ पे भी लोग कचरा करते हैं, वेरी बैड। थोड़ी मेरी सांस लेने की आवाज भी आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। शांति भी इतनी है और ऊपर से मैं ऑलरेडी थक गई हूँ चल के। बिना जूतों के बहुत ही टफ है। फाइनली पहुंच गए, सामने जो बोर्ड है वही गुफा है। अब ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है जो चढ़ लेते हैं। यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। यहाँ भी पहली वाली गुफा की तरह झुक के जाना पड़ रहा है। इस दूसरी वाली गुफा में लाइट भी नहीं है और हम साथ में टॉर्च भी लेके नहीं आए हैं। मोबाइल की फ्लैश लाइट की हेल्प से ही अंदर जा रहे हैं। दूसरी वाली गुफा में लाइट भी नहीं है और हम साथ में टॉर्च भी लेके नहीं आए हैं। मोबाइल की फ्लैश लाइट की हेल्प से ही अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल शांति है यहाँ और पसीने की तो बात ही मत करो। हम पूरा भीग गए, मतलब पूरा नहा लिया पसीने से।
और यहाँ पे सांप जैसा कुछ दिख रहा है, क्या है पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्या है। अब चलते हैं द्रोणेश्वर मंदिर। दोपहर का टाइम है तो मंदिर बंद है, हम नहीं जा सकते, लेकिन द्रोणेश्वर मंदिर के ऑपोजिट ही एक मंदिर है, वहाँ चलते हैं। यह है वो मंदिर और आसपास के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। यह है हनुमान जी का मंदिर। मंदिर से बाहर पीछे ये है नज़ारे और मंदिर के अंदर के ये है नज़ारे। और थाबड़ी जो कि लाइव ये लोग बनाते हैं।